आज हम लोग बात करने वाले हैं द वाइपर रैंडी ऑर्टन से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। WWE में नेगेटिव पर्सनैलिटी होने के बावजूद लोग उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको जो उनके रिलेटेड फैक्ट्स बताऊंगा, वैसे फैक्ट्स आपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुने होंगे। नंबर वन, रैंडी ऑर्टन रेसलिंग के खानदान से आते हैं, यानी कि उनके फादर और उनके चाचा दोनों ने ही रेसलिंग जगत में अपना नाम कमा रखा है। उनके फादर बॉबी ऑर्टन और उनके चाचा बैरी ऑर्टन ने दोनों ने ही रेसलिंग जगत में काफ़ी नाम कमाया है। शुरुआत में रैंडी ऑर्टन को WWE में एक रेफरी के तौर पर लाया गया था, जहाँ पर वो रेफरी के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन WWE वालों को उनके टैलेंट पर विश्वास आया और उन्होंने सोचा कि इस आदमी को हम रेसलर बनाकर देखते हैं। रैंडी ऑर्टन ने सिर्फ रेसलिंग में ही नाम नहीं कमाया, इसके साथ साथ वो एक्टिंग में भी उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। उन्होंने जॉन सीना की फिल्म द मरीन में एक्टिंग की, जो लोगों को काफ़ी पसंद आया और लोगों ने रैंडी ऑर्टन को काफ़ी वाहवाही भी की। एक वक्त था जब रैंडी ऑर्टन किसी को भी थप्पड़ मार दिया करते थे, उस समय वो किसी भी सुपरस्टार या किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने विंस मैकमैन को भी थप्पड़ मारा है, लेकिन वो थप्पड़ एक स्क्रिप्टेड था। आरकेओ के बारे में रेसलिंग का हर फैन जानता है, पर उनके फिनिशिंग मूव का नाम उनके सिग्नेचर से आया है। उन्होंने अपने नाम के अक्षरों को मिलाकर आरकेओ बना दिया है। रैंडी ऑर्टन का नाम विवादों से घिरा रहा है, यहाँ तक कि उन पर ड्रग्स लेने का आरोप भी लगा है और एक बार इसी कारण ही उनको कंपनी से निकाल भी दिया गया था। रैंडी ऑर्टन अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं, उनको कभी भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बैक स्टेज में रेसलरों से ज़्यादा बात नहीं करते और उनके संबंध बाकी रेसलरों से कुछ खास नहीं है। साल 2014 में उनका फिनिशिंग मूव RKO वायरल हो गया, जिसके बाद सभी लोग अपने वीडियो में RKO को फनी बनाने की कोशिश करने लगे। अगर आप भी रैंडी ऑर्टन के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना कहीं मत जाना, नहीं तो आपको भी कभी भी RKO कर सकता है।